भाई रुको जरा, सबर करो, कुछ नया दिखाने वाला हूँ। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर ना सीएस रैंक के बहुत बहुत ज्यादा आसान आसान हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड था भाई, अब से हो नहीं रहा है भाई, क्या करे भाई, कुछ ना करो यार। देखो आज की इस वीडियो में ना सबसे ज्यादा सस्ता सस्ता हिडन प्लेस बताऊंगा एंड बहुत ज्यादा आसान आसान हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्डर वर्क करता है ना ये मार्स इलेक्ट्रिक प्लेस पे, एंड यहाँ पे ना आपको कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन ले लेना होगा। एंड ये आइटम तो और ज्यादा सस्ता है, इतना ज्यादा सस्ता है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ एक टैग पर जंप करना है एंड फटाक से आपको इसके अंदर आ जाना है कि आपको एनिमी आपका लोकेशन ना दिख पाए। एंड गाइस आपको यहाँ पर बैठ कर एंड आपको ऊपर आना है। आप यहाँ से ध्यान सुनो, ऐसे बैठ के ऊपर आओगे ना तो बहुत ईजी आप यहाँ पे लेट जाओगे। एंड गाइस लेटने के बाद तो यार देख ही सकते हो कैसे मैं एनिमी को बहुत ईजी किल कर रहा हूँ, आप भी बहुत ईजी ऐसे नॉक कर सकते हो। एंड गाइस आप लोग ये भी देख लो, यहाँ पर लेट को बंदो किल करोगे ना तो बंदे तो किल हो जाएंगे बट आपको एनिमी डैमेज नहीं दे पाएगा। ये भी काफी ओपी इस जगह की बात है, इस प्लेस की बात है। एंड गाइस आप यहाँ पे देखिए तो एक एनिमी बहुत इजी किल कर दिया। एंड एक फायर आया था इस साइड से जो कि ए एनिमी आया, बहुत इजी हमने इसे किल कर दिया, डबल के साथ विक्ट्री कर लिया। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्क करता है ना केप टाउन प्लेस पे। एंड गाइस सच में बता रहा हूँ, केप टाउन प्लेस में बहुत बहुत ज्यादा आसान ट्रिक बताने वाला हूँ एंड इस ट्रिक में बहुत आपको फास्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको फटाफट रन करते करते ना ये वाला जो हाउस है ना बालकनी वाला हाउस, इसके अंदर फटाक से आपको आ जाना, स्टेयर से फटाफट ऊपर आ जाना। एंड जैसे ही ऊपर आते हो ना तो बालकनी में आ जाना एंड यहाँ से ना वो सामने जो रूप देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक एनिमी था, इसे बहुत इजी मैंने यहाँ पे किल कर दिया। एंड गाइस मैं सामने रूप की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो वहाँ पर जैसे मैच स्टार्ट होता है ना तो बहुत सारे बंदे वहीं पर जाकर कैंप करते हैं एंड वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं एंड उसी बंदों को फटाफट उनको किल कर दो। एंड गाइस देखो वहाँ पर अगर आपको बंदे नहीं दिखते ना तो फटाक से नीचे आ जाना, क्योंकि अगर जो मैंने फंस जाओगे ना तो बहुत इजी नॉक हो जाओगे। एंड नहीं तो वहाँ पे बंदे होते हैं ना तो उनको नॉक करके फटाफट चले आओ, इससे ये होगा ना कि उन बंदों को नॉक करके फटाफट आ जाओ ना तो यहाँ से आकर फिनिश भी कर सकते हो। एंड गाइस ना बहुत इजी अपने टीममेट का फुल सपोर्ट कर पाओगे एंड ये ट्रिक ना बहुत ज़्यादा सिंपली है एंड इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से ना यार एनिमी किल कर पाओगे। एंड लास्ट में एक एनिमी बच जाता है जो कि इस हाउस के ऊपर था, जो ये सीमेंटेड वाला हाउस ना इसके ऊपर था, तो फटाफट में यार नीचे ऊपर कर रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये एनिमी कहाँ पे है, लेकिन जैसे एरो देखते हैं ना मोको कहकर बहुत इजी से किल करके विक्ट्री कर लेता हूँ। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्क करता है सिप्यार्ड पे एंड सिप्यार्ड पे ना इतना ज्यादा आसान वाला ट्रिक बता रहा हूँ ना कि इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत इजी एनिमी किल कर दोगे बट यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा रिस्क भी है। रिस्क ये है ना कि देखो अगर कोई बंदा इस रूही वाला रूफ है ना, इस रूफ के ऊपर कोई बंदा छत के ऊपर बंदा होगा ना तो वो बंदा आपको बहुत इजी नॉक कर सकता है, नहीं तो कोई अगर बगल से बंदा आता है तो वो भी आपको नॉक कर सकता है, लेकिन कोई बंदा अगर आपको सामने से आता है ना भाई तो ये बहुत ज़्यादा सही है कि सामने का बंदा तो आपको देखेगा ही नहीं क्योंकि सामने से ना हमारा जो बॉडी है ना वो दिखता नहीं है एंड यहाँ से बैठे बैठे बहुत ईजी हम एनिमी को नॉक कर देंगे। तो गाइस देखो यार सामने वाला बंदा तो हमें बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, ना ही हमें किल कर पाएगा, लेकिन जो पीछे वाला जो बंदा है ना अगर वहाँ से ना जो रोटेट करके बंदा आएगा ना तो बहुत ईजी हमें आप किल कर सकता है। एंड कोई अगर बंदा रूप के ऊपर अगर छत के ऊपर अगर ना तो वो भी हमें देख कर किल कर सकता है, लेकिन यार सामने से बंदा हमें कोई भी नहीं किल कर सकता है। एंड लास्ट में एक एनिमी और बचा हुआ था जो मेरे टीममेट ने बहुत इजी फिनिश कर दिया एंड यहाँ पे मैंने बुया कर लिया। सो नेक्स्ट वर्क करता है क्लॉक टावर पे एंड ये ट्रिक बहुत बहुत ज़्यादा आसान है एंड बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फटाफट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर आ जाना है एंड यहाँ से क्या करना है ना, आपको सीधा स्ट्रेट रन करना है एंड आपको यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो कवर भी है एंड यहाँ से अपने टीममेट का फुल सपोर्ट भी कर दोगे। एंड कैसे अगर आपको कोई एनिमी देख भी लेता है ना तो फटाक से नीचे जंप कर लेना, कोई बात नहीं नीचे जंप कर लेना। और नीचे जैसे जंप करोगे ना तो जो ये हमारे पीछे हॉन्ट वाला हाउस ना इसके ऊपर ही गिरोगे और कहीं नहीं जाओगे। तो देखो आप यहाँ पे बच भी जाओगे, आपको यहाँ पे कोई फॉल डैमेज नहीं होने वाला है एंड यहाँ से बैठे बैठे अपने टीममेट का फुल सपोर्ट भी करने वाले हो। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट के ऊपर। एंड गाइस हमारे मिरर वाला ट्रिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा इजी भी है, आपको कुछ नहीं करना, फटाफट यहाँ पे आकर बैठ जाना एंड यहाँ पे इस चेयर में बंदे होंगे ही होंगे क्योंकि वो बंदे हमारे ऊपर रश करने ही वाले होंगे। एंड इस ट्रिक को आप ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट
राउंड के अंदर अप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट राउंड में ऐसा होता है ना कि यहीं पे बंदे बैठे होते हैं एंड उन पर तो बहुत इजी डाउन कर दो। एंड देखो ज़्यादा सी एस रैंक का मैच जो है ना वो फर्स्ट राउंड में ना वो फर्स्ट राउंड मेल ही स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस देखो अगर आपका मेल फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है ना तो इस ट्रू को अप्लाई करके मैं सही में बता रहा हूँ 2-3 बंदों को बहुत ईजी नॉक कर दोगे। बट देखो उनका हेडशॉट लेना, उनका बॉडी शॉट मत लेना, नहीं तो वो बंदे जान जाएंगे। एंड गाइस देखो यहाँ पे जब भी आप आते हो ना तो इस ट्रू को अप्लाई करोगे ना तो देखो 1-2 बंदों को बहुत ईजी किल कर दोगे, क्योंकि वो बंदे स्टेयर में बैठे होते हैं, उनको बहुत ईजी नॉक करने के बाद विक्टर कर लोगे। तो फिर नेक्स्ट वर्क करता है केप टाउन प्लेस पे एंड ये ट्रिक थोड़ा सा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की है, बट ये ट्रिक बहुत ज्यादा आसान है। एंड गाइस मैं सच में बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक रिस्की होने के साथ में कुछ नहीं करना, आपको सीधे से रन करना है, लेकिन रन ऐसा वैसा नहीं करना है मेरे भाई। देखो यार यहाँ पे आपको ये करना है ना, अगर कोई बंदा देख लेता है ना तो सच में आपकी पोंगी बजा देगा, बट यहाँ पे अगर कोई बंदा नहीं देखता है ना तो आप बंदे को बहुत इजी पोंगी बजा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट यहाँ तक रन करके आ जाना है, बट आपको कैसे भी जैसे जैसे मुझे नहीं पता, आपको रन करके बस आना है यहाँ पे। अगर आ जाते हो तो यार बंदे को बहुत इजी नॉक करने वाले हो, नहीं तो अगर बंदे बीच में भी आपको नॉक कर दे तो भाई यार राम भरोसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आपको देखो आपको फटाफट ये जब प्लेस पे आ जाते हो तो आप यहाँ पे देखे सो तो मैंने 2 बंदों को बहुत इजी नॉक कर दिया, लेकिन ये बंदा भाई कुछ ज्यादा ही चलाक था तो फटाक से सामने से गुलवा लगा लेता है। फिर मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट इसके ऊपर रन कर रस कर लेता हूँ, लेकिन ये बंदा डाउन हो जाता है उतने देर में ही। एंड गाइस फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बंदा मुझे नहीं दिखता है। एंड गाइस यहाँ पे ना भाई एक बंदा था भाई अलग ही पागल था, मुझे दिख ही नहीं रहा था वो बंदा कहाँ पे है, क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं रहा था वो एनिमी कहाँ पे है, बट उतने देर में मेरे टीममेट ने किल कर दिया, हमारा विक्ट्री बहुत ईजी हो जाता है। सो फ्रेंड ये मेरे ना लास्ट एंड बहुत ज्यादा लास्ट ट्रिक होने वाली है। एंड गाइस ये ट्रिक नहीं मेरा गेम प्ले है। एंड गाइस इस गेम प्ले से मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, हिंट यही देना चाहूंगा ना, देखो जो हमारी गेम प्ले की सीरीज है ना इसी मतलब इसी टाइप की कुछ होने वाली है। यानी कि आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे, देखो मैं समझा देता हूँ। देखो आप लोग यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा देखे होंगे, मैं फर्स्ट राउंड यार बहुत इजी विन कर लेता हूँ, मैं हर टाइम एक बहुत इजी फर्स्ट राउंड विन कर लेता हूँ, बट यार देखो मेरी स्ट्रेटजी एंड मेरा थिंकिंग क्या होता है फर्स्ट राउंड के ऊपर मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा। एंड गाइस देखो मैं ये फर्स्ट राउंड का जो क्लिप दिखा रहा हूँ ना, जब ऐसा समझ जाओ ना कि मैं फर्स्ट ना राउंड के ऊपर ही प्लेस के ऊपर ना मेरा गेम प्ले आने वाला है, तो बस यार थोड़ा सा और सा वेट कर लो। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो यार, सच में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो भाई, कमेंट कर रहे थे कि भाई गेम प्ले की सीरीज लाओ, गेम प्ले की सीरीज लाओ। भाई यार कहाँ से भाई, कैसे मतलब भाई यार कैसे बोलूँ भाई, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यार आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे ना। एंड कहीं देखो तो मैं बता दूंगा ना, मेरी देखो मेरी जो थिंकिंग होती है ना वो फर्स्ट राउंड के ऊपर क्या होती है, कैसे होती है एंड क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहती है एंड मैं कैसे खेलना बहुत किस टाइप से मैं खेलना पसंद करता हूँ। एंड गाइस देखो इस वीडियो का तो लाइक नहीं किया ना, तो भाई क्या करो यार, तुम बहुत गंदे हो भाई, लाइक करो ना, लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो भी यार अभी तक देख रहे हो क्या, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।